जिनमधापुर की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में गंगा किनारे नाव संचालकों ने जमकर अतिक्रमण किया हुआ है। नाविक मनमाने ढंग से नाव को बेखौफ होकर गंगा नदी के किनारे खड़ा कर लेते हैं, जिससे गंगा में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालु गोता लगाने के दौरान चोटिल हो जाते हैं। नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे नाविक अतिक्रमण कर रहे हैं। प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नगरपालिका की ईओ मुक्ता सिंह ने कहा कि अतिक्रमण करने वाले नाविकों को नोटिस जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बाहरी क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि गंगा में करीब 400 नावों का संचालन हो रहा है। नाव संचालकों ने गंगा तट के किनारे जमकर अतिक्रमण जमाया हुआ है, जिसकी वजह से अमावस्या और पूर्णिमा पर भी श्रद्धालुओं को स्नान करने के दौरान काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। स्नानार्थियों ने बताया कि गंगा किनारे पर नाव खड़े होने की वजह से स्नान के दौरान नाव टकराने के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं और गंगा की आरती करने में भी परेशानी होती है। नाव खड़े होने का एक नया स्टैंड बनाया जाए, जिससे स्नान करने आए श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।